हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रसोई लव। मैं छवि आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिसमस सेलिब्रेशन एंड डेकोरेशन वीडियो। तो इट्स अ लिटिल ब्लॉग वीडियो, होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये क्रिसमस ट्री है, ये ओरिजिनल है। तो इसको मैं और मेरी डॉटर दोनों डेकोरेट कर रहे हैं। हम दोनों को बहुत मज़ा आता है कोई भी फेस्टिवल हो घर को डेकोरेट करना। तो वो भी देखो काफ़ी इन्जॉय कर रही है और बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं, इंगेज रहते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कॉटन भी इसमें लगा रही हूँ कि ये आइस का इफ़ेक्ट दे। और यहाँ पे लाइटिंग कर रही हूँ मैं। ट्री में लाइट्स लगाने के बाद काफ़ी अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे जो मैं आपके साथ इमेज शेयर कर रही हूँ इसको मैं DIY करने वाली हूँ। पहले मैंने DIY किया हुआ था वेलकम होम का, तो ये अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। इसकी जगह मैं क्रिसमस का डेकोरेशन का इसमें DIY करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बीच के जो वेलकम होम के प्लेट्स थे वो हटा दिए हैं और दोनों रिंग्स को एक साथ ज्वाइन करके उसमें मैंने दिवाली का जो मेरा ये जो हैंगिंग्स थी उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इसकी बेल्स को मैंने निकाला नहीं है, इसको स्ट्रिंग के साथ ही इसको टाई कर दूंगी ताकि दोबारा से मुझे ज़रूरत हो तो फिर मैं इसमें से निकाल सकूं और यूज़ कर सकूं। तो यहाँ पे मैं इसको भी टाई कर देती हूँ स्ट्रिंग के साथ ही, ताकि ये दोनों रिंग्स भी हैं वो अच्छे से टाई हो जाएंगी। तो ये देखिए हमारी बेल्ट्स भी इसमें हैंग हो गई हैं और जो दोनों रिंग्स हैं उसमें जूट लगा हुआ है, जूट का जो फैब्रिक आता है, आई डोंट नो फैब्रिक बोलते हैं क्या बोलते हैं, ईज़ली मार्केट में अवेलेबल होता है। ये मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। इसका मैंने वो बनाया हुआ है जो पहले से ही इसमें लगा हुआ था, तो उसको मैं यहाँ बेल्ट्स के ऊपर ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर दूँगी ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। ग्लू गन काफ़ी हैंडी होती है किसी भी चीज़ को पेस्ट करने के लिए, तो मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो बो है वो अच्छे से पेस्ट हो चुका है और ये अभी आर्टिफिशियल मेरे पास बेल पड़ी हुई थी तो इसको भी मैंने इसमें टाई कर दिया है। और जो ये फ्लावर्स लगे हुए हैं ये काफ़ी पुराने दिख रहे हैं, गंदे भी हो गए हैं, तो इनको मैं दोबारा से कलर कर दूंगी तो ये और भी अच्छे लगने लग जाएंगे। तो यहाँ पे ये मेरी रिंग तैयार है, ये देखिए मैंने फ्लावर्स को भी कलर कर दिया है। तो अभी मैं इसको वॉल पे हैंग कर देती हूँ। तो ये गया वॉल पे और इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से हैंग कर दिया। तो इसको मैंने एक्चुअली स्टिक ही किया है, हैंग करने के लिए नील की ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैंने इसको स्टिक किया हुआ है सेलो टेप की हेल्प से। तो मैंने इसको डोर पे हैंग नहीं किया है, मुझे यहीं पे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसी जगह पे हैंग कर दिया है। और ये हमारा ट्री भी तैयार है। तो ये लिटिल कॉर्नर मैंने क्रिसमस का तैयार किया हुआ है डेकोरेशन, होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो जो मेरी डॉटर है वो काफ़ी एक्साइटेड है और ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी इन्जॉय भी कर रही थी इसको डेकोरेट करने में मेरे साथ। तो यहाँ पे ट्री का नीचे जो जिस गमले में लगा हुआ है उसको भी मैंने जूट के फैब्रिक से ही इसको कवर कर दिया है क्योंकि इस पर पेंट नहीं हुआ था तो अच्छा नहीं दिख रहा था। और यहाँ पे मैंने एक जो स्टडी टेबल होती है उसको मैंने रखा हुआ है, इसके ऊपर दो ये स्टैचूज स्मॉल आर्टिफैक्ट्स हैं जो रखे हुए हैं और एक लैम्प जिसमें बैटरी ऑपरेटेड लाइट है। नीचे मैंने एक साइड में लैम्प रखा हुआ है, यहाँ पे एक आपको इसमें भी बैटरी ऑपरेटेड लाइट ही है। ये डेकोरेशन पीस था साइकिल की शेप में। तो यहाँ पे मैंने पीछे कुछ ऑरेंजेस रख दिए तो वो भी देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा ये स्मॉल सा क्रिसमस का जो मैंने डेकोरेट किया है कॉर्नर वो कैसा लगा। तो ये है पूरा व्यू, होप आपको अच्छा लगा होगा ये।
और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मैं रेसिपी के वीडियोस और समटाइम DIY होम डेकोर से रिलेटेड मैं डालती रहती हूँ। ये थोड़ा सा वीडियो जो है वो लेट आएगा क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गई थी मैं। तो यहाँ पे हमारा जो केक तैयार कर रही हूँ मैं, इसको थोड़ा फास्ट ही दिखाऊंगी। इस केक में मैंने ब्राउन शुगर का यूज़ किया है, वाइट वाली शुगर का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं 1.5 कप मैदा लिया हुआ है, ब्राउन शुगर, इसमें डाला कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं इसमें छान लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आजकल केक बनाना बहुत इजी हो गया है, सभी लोग घर पे इजीली केक बना लेते हैं और काफ़ी टेस्टी भी बनती है, तो मार्केट से लाने की क्या ज़रूरत है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस, मैंने वनीला एसेंस के साथ पाइनएप्पल एसेंस भी इसमें ऐड किया हुआ है। दोनों का फ्लेवर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये टूटी फ्रूटी, इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये ड्राई फ्रूट्स हैं मिक्स, आप जो भी पसंद करते हैं ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। तो ऊपर से भी इसको डाल देते हैं ताकि ये देखने में और भी अच्छी लगे केक। टिन को मैंने पहले से ही ग्रीस और डस्ट करके रखा हुआ था। तो ये केक का जो बैटर है वो तैयार है और अभी ये हम इसको बेक करेंगे कुकर में। कुकर को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया है, तो इसको 30-35 मिनट में इजीली बेक हो जाएगी। ये देखिए हमारा केक फटाफट तैयार है और अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो केक तो काफ़ी अच्छा और सॉफ्ट बना है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। टेस्ट कैसा है ये तो हम बाद में ही बताएंगे कट करके। तो हमारा केक तैयार है और दिखा देती हूँ मैं कितना सॉफ्ट है ये। और पार्टी का फूड भी तैयार है, तो यहाँ पे मैंने गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया हुआ है। दोनों ही चीज़ें मेरी डॉटर को बहुत पसंद है, केक भी तैयार है, कॉफ़ी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे। ये देखिए मेरी डॉटर भी तैयार हो गई है और दोनों बच्चे मेरे इस प्लेस को काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। तो आप बताइएगा ज़रूर कैसा लगा मेरा स्मॉल ब्लॉग वीडियो। तो यहाँ पे अभी हम केक को लेकर चलते हैं और इसको कट करेंगे। देखिए दोनों बच्चे मेरे बैठे हुए हैं और ये कट करेंगे। डॉटर मेरी काफ़ी केयरिंग है, अपने भाई को बहुत केयर करती है। और देखिए आप देखिए बच्चे के पीछे से होल्ड करके उसने रखा हुआ है, ही जस्ट 5 मंथ्स ओल्ड। तो केक भी कट हो गई है, पार्टी फूड भी तैयार था। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।